Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा। आज हम बात करेंगे फिर से 20th क्वेश्चन पे। ये 20 क्वेश्चन हमारे क्या होने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में एएलपी में आ चुके हैं, सारी बात यहाँ पर हम करेंगे। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? एक नया सवेरा जब भी आता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आता है। मतलब मेरी बात समझिएगा, कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी प्रॉब्लम हुई पास्ट में, जो भी हुआ उसे हमें भूलना है। आज हम शुरू करेंगे नया दिन और जितनी भी हमारी कमियां हैं हम उसको दूर करेंगे और आज से हम और ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए। सोचो कितना अच्छा होगा ना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद की लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं ज़्यादा रहेगी और लाइफ को आप अच्छे से जी सकते हैं। ये सोचिए कि आपको करना है और आपकी गवर्नमेंट जॉब जब लगेगी तो आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे। ये सोचिए कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए, बिना किसी से डरे, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करेंगे। तो गाइस, जो भी कमियां हैं उसे दूर करना है, ये सोचिए, और आज से इतनी ज़्यादा मेहनत शुरू करनी है जितनी हमने पहले कभी नहीं की। हमें खुद को दिखाना है कि हम और क्या कर सकते हैं जो हम जानते भी नहीं अपने बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ाई करनी है और हमें खुश रहना है हमेशा। बिकॉज क्या बात है कि आप खुश नहीं होगे, आप टेंशन में रहोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो गाइस, खुश रहिए क्योंकि आप इंसान हैं, गलतियाँ आपसे होती हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हमारा क्या होने वाला स्क्रीन पर ये देखिए। तो कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन लगाए यहाँ पर, जो देख रहा है सामने, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करने आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिसाइल हेलिना इज अ, स्वदेशी निर्मित मिसाइल हेलिना एक मिसाइल है और ये मिसाइल क्या काम करती है ये आपसे पूछा गया है। देखो, डिफेंस के वेपन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हमने ऑलरेडी कई डिफेंस के वेपन की बात की थी, तो आज हम हेलिना की बात कर रहे हैं। हेलिना क्या करता है ये आपको बताना है। और यहाँ पर अभी क्या है, कमेंट आने शुरू नहीं हुए हैं। सबको राधे राधे, सबको गुड मॉर्निंग, सब लोग आ जाइए, महादेव सबको, और आकर यहाँ पर धमाल मचाइए जल्दी से फटाक से। और यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल है। नहीं बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा। हेलिना का परीक्षण अभी पोखरण में हुआ और ये क्या है बेटा, ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। पोखरण में हेलीकॉप्टर से इसका परीक्षण हो चुका है और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द एडवांस एंटी टैंक मिसाइल है हेलिना। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन हमारा सही है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। चलिए, नहीं रुक जाइए, दूसरा क्वेश्चन नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था मुझे देना चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि स्वदेशी विकसित एंटी टैंक, क्वेश्चन लगाइए, स्लाइड लगाइए जरा। स्वदेशी विकसित एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल हेलिना का पोखरण में परीक्षण हुआ। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कहां पे परीक्षण हुआ, तो पोखरण में परीक्षण हुआ, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है, फटाक से तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बस आ ही रहा है और आपको यहाँ पर देखना है और आंसर करना है। चलिए, अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट की। क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए यहाँ पर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू स्टडी द, कौन से किसकी स्टडी, थ्रू इट्स आदित्य एल1 सैटेलाइट। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने आदित्य एल1 उपग्रह के माध्यम से किसका अध्ययन करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होगा ये आपको देखना है। और यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं सन, क्या सन सही आंसर है? कुछ बच्चे मार्स भी बोल रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेटा सन। सन, सूर्य, बिल्कुल सही आंसर है। आदित्य एल1 भूलेगा नहीं। एक साइड और जरा देखिए, यहां पर आपको हम और भी इंफॉर्मेशन देंगे। अभी हम आदित्य की बात कर रहे थे, एल1 की। अभी देखिए यहां पर बेटा, नासा का भी एक अपॉर्चुनिटी रोवर है जो कि मार्स जा रहा है, मतलब मंगल ग्रह पे जा रहा है। तो आपसे सैटेलाइट पर क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमने आदित्य एल1 की बात कर ली और अभी हमने किसकी बात की, हमने नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर की बात की है जो कि मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा। यह इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब देखिए, इंडिया 2019 में चंद्रयान 2 भी लॉन्च करेगा, चंद्रयान 2, और जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा विक्रम। ये भी आप समझ लीजिए। अभी हमने आपको 3 तरह के सैटेलाइट की बात की है यहाँ पर। एक तो आदित्य एल1 की बात की है, एक हमने अपॉर्चुनिटी रोवर की बात की है जो नासा का है, जो कि मार्स का अध्ययन करेगा, और अभी हम बात कर रहे हैं कि 2019 में इंडिया जो है वो चंद्रयान 2 मिशन भी करेगी, जिसका नाम क्या होगा, विक्रम। उस यान का नाम क्या होगा, विक्रम। इसे याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, और यहाँ पर बात हो रही है स्वच्छ भारत अभियान की। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि रेलवे का एग्जाम है, तो रेलवे से जुड़ा क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए, Which railway station has emerged as the cleanest among the major stations in the country in A1 category station for 2018? मतलब 2018 के लिए A1 श्रेणी स्टेशनों में देश के प्रमुख स्टेशनों में से कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे साफ रहा, ये आपसे पूछा गया है। आपके सामने 5 ऑप्शन है, सही आंसर, वेरी गुड। देखो रेलवे का क्वेश्चन है तो एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं और आंसर क्या होगा, जोधपुर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एग्जैक्टली में जो स्टेशंस हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक A1 और एक ए। A1 में जोधपुर सबसे साफ शहर है, लेकिन अगर हम A की बात करते हैं तो A में मारवाड़, A कैटेगरी में मारवाड़ स्टेशन सबसे साफ है A1 में जोधपुर। और अगर हम जोन की बात करते हैं कि कौन सा जोन सबसे ज़्यादा साफ था, तो वो कौन था हमारा, वो जोन था हमारा आपका नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन। नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन सबसे साफ जोन था। तो तीनों इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, A1 के लिए जोधपुर, A के लिए मारवाड़, और जोन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट जोन सबसे साफ रहा, ये चीज़ आपको बता दिया है। और आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, चलिए देखिए। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि इन 2-3 महीनों में हमारे देश के बहुत सारे चीफ जस्टिस और जज यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, तो आपको ये चीज़ से क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए, हु वॉज सॉन इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन अपॉइंट हुए हैं? आपके सामने 5 ऑप्शन हैं और सही आंसर क्या होगा ये आपको देना है। देखिए यहाँ पर, चलिए, और यहाँ पर देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। और संधू सिंह बोल रहे हैं मेनन, ठीक है संधू, देख लिया बेटा, देख लिया। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं न्यायाधीश राजेंद्र मेनन, तो क्या ये सही आंसर है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप क्या बोलेंगे, जस्टिस राजेंद्र मेनन जो है ये अपॉइंट हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस। तो और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, तो रुकिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, देखिए भाई यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो जस्टिस विजय कमलेश ये कहाँ पर अपॉइंट हुए हैं? ये हुए हैं आपके मद्रास हाई कोर्ट। जस्टिस गीता मित्तल जो है वो चीफ जस्टिस बनी है कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की। इसके नीचे देखिए जस्टिस मुकेश आर शाह जो है ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। उनके नीचे देखिए जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र झावरी को देखिए, ये चीफ जस्टिस बने हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के। तो ये सारे नाम भी आपको लर्न करने हैं, इसी क्रम में है सारे नाम जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप ले रहे हैं तो, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हमने आपको दिखाए हैं और ये चारों चीफ जस्टिस की बात हो रही है जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुए हैं। आराम से देख लीजिए, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग ह्यूमनाइड रोबोट। मतलब दुनिया की पहले हिंदी भाषा मानव भाषी मशीन रोबोट का नाम क्या है? यानी ये क्वेश्चन हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया गया है। ऐसा पहला रोबोट जो कि हिंदी भाषा बोलता है, इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होगा। चलिए, और हिमांशु जी ने बोला है रश्मि, ठीक है। आशीष जी बोल रहे हैं रश्मि, विकास ओके बोल रहे हैं, शेखर बोल रहे हैं रश्मि, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है रश्मि। तो हमारे देश में पहली हिंदी भाषी रोबोट मशीन का नाम है रश्मि। इसे किसने बनाया है एक बार थोड़ा देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड कंप्यूटर जी लगाएं जरा, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। रांची आधारित सॉफ्टवेयर डेवलपर मिस्टर रणजीत श्रीवास्तव ने दुनिया का पहला हिंदी भाषी रोबोट बनाया है। इनका नाम आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं कि 50,000 रुपए ही खर्च हुए हैं इसमें केवल। तो किसने बनाया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपके लिए, देखिए। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है वो लिया गया है इंटरनेशनल लेवल के अपॉइंटमेंट पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के नए जो चीफ हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं ये आपसे पूछा गया है। आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गाइस। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, भूलिएगा नहीं ये चीज़। तो अब आपको आंसर देना है और यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर, और बताइए यहाँ पर जो क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए और यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मिशेल बैचलेट। तो मिशेल बैचलेट जो हैं ये अपॉइंट की गई हैं एज द चीफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। भूलिएगा नहीं हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में। तो मैं आपको थोड़ा सा मिशेल बैचलेट के बारे में और थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा बिकॉज ये किसी देश की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। तो कंप्यूटर जी एक स्लाइड लगाएं जहाँ पर बच्चों को हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे पाएँ। देखिए सबसे पहले बात की आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटरेश, और एंटोनियो गुटरेश ने इनको अपॉइंट किया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अच्छा, जो आपकी जिनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे मिशेल बैचलेट की, ये चिली की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, चिली की, और 2 बार ये राष्ट्रपति रह चुकी हैं। आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है कि ये बनी है और ये किस देश की राष्ट्रपति थी, तो जो आपको मालूम चल गया। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटरेश हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेज पर बेस्ड है। तो क्या क्वेश्चन हमारा, देखिए अभी आजकल बायोफ्यूल का काफ़ी जमाना चल रहा है। आपसे अभी क्वेश्चन बन सकता है कि बायोफ्यूल के लिए बात करें तो कौन सी एयरलाइन कंपनी ने पहले बायोफ्यूल पर उड़ान भरी, तो वो कौन सा है जरा मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो बायोफ्यूल इंपॉर्टेंट है इसलिए एग्जाम में बन सकता है, और बात यहाँ पर हो रही है अगस्त की। तो देखिए, व्हेन इज द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व्ड, विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। हमारे देश में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इसे ऑर्गेनाइज करती है 2015 से, और सही आंसर यहां पर क्या होगा, तो बच्चे यहां पर आंसर दे रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मतलब कि 10 अगस्त। तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, और जो डेज की बात करें तो इसमें और डेज तो हमको नहीं मिलेंगे, लेकिन एक स्लाइड लगाएं जरा कंप्यूटर जी। बाद इसके बाद देखिए, अब एक बात समझिएगा, 8 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, तो 8 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। एक बात समझो, अगर तुम्हारी क्लास में डेली एक डे आता है तो तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हें कम से कम अगस्त का, जुलाई का, जून का, ये जो डेज है ना पहले से ही कंप्लीट कर लेना है। एक टास्क ले लो कि अभी एक पढ़ने के बाद क्या करना, 1 घंटे बैठ जाना और जुलाई खत्म कर लेना, जुलाई के डेज खत्म कर लेना, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये तो कंफर्म है। तो क्यों इसके लिए हमें गैम्बलिंग करनी है, हमें करना है, हम आज से ही शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट। यहां पर आपको हम बहुत सारे अपॉइंटमेंट देने वाले हैं एक्स्ट्रा स्लाइड में, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, देखिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। जैसे बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी IRDAI के अंडर में वर्क करते हैं, वैसे ही टेलीकॉम कंपनी ट्राई के अंडर में वर्क करती हैं। ट्राई के हेड का नाम आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सही आंसर क्या होगा बताएं, यहाँ पर बताएं। और यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं आर.एस. शर्मा। क्या आर.एस. शर्मा सही आंसर है? और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका सही आंसर है आर.एस. शर्मा। तो आर.एस. शर्मा जो है ये अपॉइंट किए गए हैं ट्राई के नए चेयरमैन। ठीक है, हालांकि ये नए नहीं हैं, इनको एक्सटेंशन मिला हुआ है, लेकिन अपॉइंटमेंट तो है ही है, तो याद हमें करना है। तो ये चीज़ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। हम आपको एक स्लाइड और देंगे जहाँ पर जिसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। कंप्यूटर जरा लगाए जरा देखें, और मुझे थोड़ा छोटा कर दें, गायब कर दें, मुझे गायब ही कर दें। चलिए, अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखिए रेखा शर्मा की बात करें तो ये हम लोग बात कर चुके हैं कि ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, बात हो रही है यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी की, और इसके डायरेक्टर और जनरल मैनेजर कौन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है, देख लो, एस गोपा कुमार। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट आपको हम अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है, Who has been recently appointed as the Deputy Governor of the Reserve Bank of India? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी गवर्नर कौन अपॉइंट हुए, इनका नाम क्या है, महेश कुमार जैन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना है। नीचे देखिए, Who is the head of the newly constituted Bank Board Bureau? ये क्वेश्चन अभी आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में आ चुका है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के नए हेड कौन अपॉइंट हुए हैं, तो बीपी शर्मा अपॉइंट हुए हैं। ये भी आपको लर्न कर लेना है, बीपी शर्मा। तो गाइस स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर In which state the world's first ever thermal battery plant plant been inaugurated? ये क्वेश्चन आपके ALP में आ चुका है, रेलवे ALP में आ चुका है। किस राज्य में दुनिया के सबसे पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, ये आपको बताना है। इंडिया के लिए बड़ा प्राउड का विषय है कि इंडिया पहला देश है जहां पर थर्मल जो बैटरी पावर प्लांट है वो इस्टेब्लिश हुआ है। और आपके सामने 5 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए और जल्दी से मुझे बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है, और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में दुनिया का पहला फर्स्ट एवर थर्मल बैटरी प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है। थर्मल बैटरी जो होती हैं ये मतलब कि जो हीट होता है ना, हीट से चार्ज होती हैं, हीट से गर्म होने पर ये चार्ज होती हैं, ये और अच्छी बात है ना। तो काफ़ी जो पावर हमारा वेस्ट होता था वो अब हम क्या करेंगे, सिक्योर कर सकते हैं हीट के फॉर्म में एनर्जी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि अपॉइंटमेंट पर है, और आपको हम और भी इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। देखिए यहाँ पर, चलिए, Who will be appointed as the new CEO of PepsiCo as on October 2018? अक्टूबर में पेप्सिको का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा सीईओ पर क्वेश्चन आते हैं, और ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है, बात हो रही है पेप्सिको की। आप जानते हैं इस कंपनी को, आप इंद्रा नूई को भी जानते होंगे, बहुत सारी गर्ल्स की ये आइडियल है। इंद्रा नूई जो पेप्सिको की चेयरपर्सन थी 12 साल तक, अब वो हट रही हैं, तो उनकी जगह कौन लेगा ये क्वेश्चन बना है। और यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? रवि जी बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, शुभजीत बिल्कुल सही, फैंटास्टिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रामन लगुवाटा। रामन लगुवाटा बिल्कुल सही आंसर है, ये आप याद कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंद्रा नूई 12 साल तक रही हैं हेड पेप्सिको की चेयरपर्सन, और अब वो हट रही हैं और रामन लगुवाटा जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, 3 अक्टूबर को इनका अपॉइंटमेंट ऑफिशियली हो जाएगा। ये तो हो गया, एक स्लाइड आएगी जहां पर आपको हम फिर से कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे, और आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर देखिए, अब बात, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC। आंसर क्या है? दीपक पारेख, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब विदेश मंत्रालय में किसको एज अ सेक्रेटरी, एज अ सचिव अपॉइंट किया है? देखिए विजय ठाकुर सिंह जी हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, टीपी शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ लोकायुक्त ऑफ द छत्तीसगढ़। यह भी आपको समझना है, छत्तीसगढ़ विच स्टेट में दिखेगा, छत्तीसगढ़, टीपी शर्मा। तो यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही शो में दे रहे हैं। ठीक, चलिए, तो कोई बात नहीं है, आप देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, एक स्लाइड और आएगी जिसमें हम और भी अपॉइंटमेंट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहला है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर क्या है? राजेंद्र सिंह। देखिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, अनिल कुमार झा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी एक नया अपॉइंटमेंट है जो हमने आपको बता दिया। इसके नीचे देख लीजिए, सुखदीप सांगवान हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। ये भी इधर बीच के अपॉइंटमेंट है जो हमने आपको दे दिए। मतलब अपॉइंटमेंट पर हमने बहुत सारी बात की है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट है भाई आपके लिए, और आपको इसे देखना है। हम आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो स्पोर्ट्स पर बेस्ड है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2018। मतलब कि किस देश ने महिला हॉकी 2018 का खिताब जीता। अब इसमें क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि किस देश में हुआ, सेकंड नंबर पे कौन था, थर्ड पे कौन था, या इंडिया किस नंबर पे था, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड पर देंगे, अभी फिलहाल आपको आंसर देना है। और यहाँ पर राहुल राय, ऐसा मुझे लगा नहीं बेटा कि आप समझ नहीं पाएंगे, वरना मैं हिंदी में भी दे देता। सिंपल सा है यार कि कौन अपॉइंट हुआ है, किस जगह पे अपॉइंट हुआ है, यही आपको फोकस करना होता है। तो अगर आपको लगता है कि वाकई में आपको इंग्लिश की जरूरत थी, हिंदी जो थी, तो नेक्स्ट क्लास से आपको मिल जाएगी। बट ये सब कमियां हैं, ये सबको छोड़ दो एकदम, बहुत सिंपल चीज़ थी यार, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ पर आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड सही आंसर है। तो आपको हम एक स्लाइड लेकर दिखाएंगे जहाँ पर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्लाइड पर, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम बात करते हैं वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप की, तो यहाँ पर चैंपियन कौन था? नीदरलैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये नीदरलैंड का 8वां टाइटल था, ये भी समझना पड़ेगा। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे कौन था? सेकंड नंबर पे आयरलैंड टीम थी, थर्ड पे स्पेन, होस्ट सिटी लंदन, यानी होस्ट कंट्री इंग्लैंड होगा। और सबसे बुरी खबर यह है कि इंडिया इसमें 8वें नंबर पर थी। 8वें नंबर पे थी। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा, हमने पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपना इंडिया का दूसरा स्थान नहीं था जी, इंडिया का 8th रैंक थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर। और यहाँ पर अवार्ड और प्राइस की बात हो रही है। गाइस कहीं जाइएगा नहीं, आपको अवार्ड प्राइस पर भी हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी देंगे स्लाइड पर, ठीक है। तो हमने कोशिश की है कि आपको हम एक ही शो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दें। हाँ, सारे पॉइंट को हम ठीक से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा इतने में ही। देखिए, हु हैज़ अवॉर्डेड द शलाका सम्मान फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ फिल्म एंड पोएट्री इन 2018। मतलब कि 2018 में फिल्मों और कविता की दुनिया में इनके योगदान के लिए इन्हें शलाका सम्मान दिया गया, किसको? ये बात यहां पर हो रही है। सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए और यहां पर सही आंसर क्या होगा, देखिए जल्दी से, मैं यहां पे कमेंट्स देख पा रहा हूं। सही आंसर क्या होगा? जावेद अख्तर। तो यहाँ पर आंसर आने शुरू हुए जावेद अख्तर। तो क्या जावेद अख्तर सही आंसर है? तो जी हाँ, जावेद अख्तर बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन फिर भी आपको हम और सारी इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पर, तो कहीं जाओ नहीं और स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है। जावेद अख्तर सही आंसर था उसका। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, किस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड पदक 2018 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई मैथमेटिशियन को फेमस जो आपका ये फील्ड अवार्ड है ये दिया गया है? आंसर नीचे दिया हुआ है, अक्षय वेंकटेश। ये आपको लर्न करना है। इसके बाद देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज चूजन फॉर राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2018 फॉर प्रमोटिंग कम्युनल हार्मोनी एंड पीस। मतलब किसको राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया? सिंपल सा आंसर क्या है, गोपाल कृष्ण गांधी। आपके सामने नीचे दिया हुआ है। हिंदी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बहुत सिंपल है, कुछ टफ यहाँ पर नहीं है। गोपाल कृष्ण गांधी, ठीक है। चलिए एक स्लाइड और देखिए, यहाँ पे क्या है, हु विल बी कन्फर्ड विद द बंगा विभूषण अवार्ड फॉर 2018। किसको बंगा विभूषण अवार्ड दिया गया है? आशा भोसले जी को। ये भी देख लीजिएगा। हु हैज बीन गिवन एस श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार। श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार ये कौन है? अनिंदिता अनाम है। ये भी देख लीजिएगा। इसके नीचे, Who will be given the 2018 Red Ink Award for Lifetime Achievement? नीचे क्या है इनका नाम? मार्क टुली। ये भी देख लीजिए, सारे अवार्ड को हमने एक साथ आपको परोस दिया है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि डेथ पर क्वेश्चन है। और यहाँ पर बात हो रही है बड़े फेमस पर्सनालिटी की, जिनका नाम है कुलदीप नैयर। आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी इनका नाम जरूर सुना होगा, कुलदीप नैयर का, ठीक है। चलिए, ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके थे। तो कुलदीप नैयर का निधन हो गया अभी दिल्ली में। और ये क्या थे, ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको सही आंसर चूज करना है। हाँ जी, वो देखो, वो सब हो गया ना बेटा। अब इस क्वेश्चन पे आओ और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करो। तो कुलदीप नैयर की हम बात कर रहे हैं। सही आंसर क्या होगा जल्दी करो, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। चलिए और यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हाँ, जर्नलिस्ट, बिल्कुल, ये जर्नलिस्ट थे कुलदीप नैयर जी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जर्नलिस्ट थे, इसे लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। और हम आगे बढ़ेंगे और अपने एक स्लाइड की बात करेंगे जो और इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, हाल ही में टीसी जॉन, जिन्हें जॉन शंकर मंगलम के नाम से जानते थे, उनका भी निधन हो गया। वो क्या थे? फिल्म मेकर थे। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी हमने आपको दे दी है कि इंपॉर्टेंट डेथ पर, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। और आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आपने सुना कि विजय माल्या पैसा लेकर भाग गए, नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गए। तो अब ऐसा ना होने पाए, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है, कानून बनाया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भगोड़ा आर्थिक अपराधी नियम 2018 या इंग्लिश में फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स रूल्स 2018। तो ये जो रूल है, ये हमारे इंडिया में कब से लागू हो चुका है? ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पर आपको ध्यान देना है और आपको सही आंसर चूज करना है। बालाजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगस्त का नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप एक बार एग्जाम देखे तो देखें। चलिए बताएं और इसका आंसर क्या होगा जो मैंने आपको दिया है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी नियम कब से लागू होगा। और यहाँ पर शिवानी वर्मा जी का आंसर बिल्कुल सही आया है। और देख लेते हैं यहाँ पर, रवि, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। यहाँ पर इसका सही आंसर है 25 मई से ये लागू हो चुका है, 25 मई से ये लागू हो चुका है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी चलेंगे आप, क्योंकि उत्कर्ष सर जो मैथ के बाहुबली हैं वो आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर This city will host the first edition of the Global Wind Summit 2018. ग्लोबल विंड शिखर सम्मेलन का पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, मतलब जो विंड पावर है उसको और इनहेंस करने के लिए एक समिट हो रही है। और यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या होगा? और सही इसका आंसर है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग जर्मनी, हैम्बर्ग जो जर्मनी में है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो हैम्बर्ग इसकी मेजबानी करेगा। आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही एक स्लाइड और आएगी जहाँ पर आपको हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। कंप्यूटर देखिए, यहाँ पर देखिए, Where will the OECD Forum meet for 2018 be held? OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, जो कि जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, तो बोला गया है OECD Forum का मीटिंग कब होगा, कहां पर होगा मीटिंग? तो आंसर क्या है? पेरिस में, देख लीजिए। और हाँ, OECD का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। नीचे देखिए, Which of the following is hosting the Asian Indian Film Festival? ये आपके ALP में क्वेश्चन आ चुका है और इसका सही आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। तो एशियन इंडिया फिल्म फेस्टिवल का कहाँ पे हुआ, होस्ट कहाँ पर हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, Which city is hosting the 4th Smart City India 2018 Expo? कौन सा शहर स्मार्ट इंडिया एक्सपो को होस्ट कर रहा है, चौथे एक्सपो को होस्ट कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर क्या होगा ये आपको देखना है। चलिए, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में स्मार्ट सिटी इंडिया 2018 का एक्सपो हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडेक्स पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडेक्स पे, यहाँ पर बात हो रही है हेल्थ केयर की। देखिए, एज पर लैंसेंट, इंडिया रैंक्ड हाउ मेनी प्लेस इन हेल्थ केयर एक्सेस अमंग 195 कंट्रीज, मतलब कि स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में भारत 195 देशों में कितने नंबर पे पहुंच गया है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 145वां नंबर पे है इंडिया हेल्थ केयर के मामले में, देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कान फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है और कान फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली हुआ है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकता है। देखिए, 2018 के कान फिल्म फेस्टिवल में किसने अपनी प्रेम कहानी कोल्ड वॉर के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जीता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 2018 कान फिल्म फेस्टिवल फॉर हिज लव स्टोरी कोल्ड वॉर, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन है और इन 5 ऑप्शन में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5 पॉवेल कोस्की। तो इन्होंने जीता है ये अवार्ड, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और एक चीज़ और, एक स्लाइड और आएगी जहाँ पर देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विच फिल्म वॉन द पाम दी ओर एट द 2018 कान फिल्म फेस्टिवल? पाम दी ओर सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है कान फिल्म फेस्टिवल का, और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप देखिए, शॉपलिफ्टर्स। ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, मतलब हमने कान फिल्म महोत्सव की बात कर ली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए फटाक से, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है बुक पर। देखिए यहाँ पर, नेम द ऑथर ऑफ द बुक अक्रॉस द बेंच इनसाइट इनटू इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम। Across the Bench, Insight into the Indian Military Judicial System नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। हमारे सामने 5 ऑप्शन है, सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? एक बुक की बात हम कर रहे हैं और इस बुक की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ज्ञान भूषण। तो ज्ञान भूषण लॉक कर दीजिए। तो लास्ट में थोड़ा हम तेज चले क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, और अभी आपकी रिसेंटली मैथ की क्लास होने वाली है, तो मैथ की क्लास के लिए आप आइए जहां पर आपके मैथ के बाहुबली उत्कर्ष सर आपको मिलेंगे। तो गाइस, कैसा लगा हमारा शो, हमारे क्वेश्चन, हमारा प्रयास जो आपके लिए है? हमारा प्रयास आपके लिए अगर है, अगर फैकल्टीज आकर आपको सुबह 8 बजे से पढ़ा रही है और कॉन्टिन्यूस पढ़ा रही है, तो आपके लिए है और आपको इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। गाइस, मैं फिर से हमेशा बोलता हूं कि जो हमारी लाइफ है वो काफ़ी लंबी चलने वाली है, तो लाइफ के साथ जो है ना, बिल्कुल भी मजाक करने का टाइम अभी नहीं है। अभी टाइम है थोड़ा सीरियस होने का, थोड़ा सा फोकस करना नोट्स पर, अपने आप को थोड़ा अकेला करना, जो भी चीज़ें हम करते हैं उसे छोड़ने का समय आ चुका है। अभी केवल और केवल एक चीज़ पकड़ने का टाइम है, वो है पढ़ाई। लेकिन मैंने क्या बोला? थोड़ा सा खुश रहिए, थोड़ा सा सोचिए फ्यूचर के बारे में, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों से बात करिए। ऑनलाइन स्पीड टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन स्पीड टेस्ट आप देंगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। एक बड़े भाई का एडवाइस ले लो, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट ज़रूर दो, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उस स्पीड टेस्ट में अगर तुम क्वेश्चन कोई नहीं कर पा रहे हो, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, उसे छोड़ो नहीं, उसे जब तक सॉल्व ना करो सो नहीं। तो आज से अपने आप को टारगेट देना शुरू करो कि हमें कम से कम आज मैथ के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन करके ही सोना है। ये अपने आप को टारगेट दो और खुद से अचीव करो, क्योंकि आप अपने आप में सबसे ब्रिलियंट मैनेजर हैं। आपके ऊपर कोई नहीं है। अपना शेड्यूल फिक्स कर लो और हमेशा करो कि हाँ, उस शेड्यूल में पढ़ाई अलग होनी चाहिए और स्पीड टेस्ट अलग होना चाहिए, और स्पीड टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, मिलते हैं आज 7:30 पे फॉर करंट अफेयर्स, और कल मिलेंगे हम रेलवे के लिए। तो मिलते हैं 7:30 पर। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई लिखा करिए, जिद है तो जिद है जी। थैंक यू।